मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अब जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। हालांकि तेलंगाना में तो कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अब इन तीन राज्यों का क्या? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी। तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन इन राज्यों में अब तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं हुई। यही तो सवाल है, आखिर कौन बनेगा इन तीनों राज्यों का सीएम? हालांकि पार्टी आलाकमान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार चर्चाएं कर रही है। मंथन का दौर जारी है, तरह तरह के नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी भले ही इन राज्यों में अब तक सीएम के नाम पर मोहर नहीं लगा पा रही हो, लेकिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन राज्यों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर दी है। दरअसल बीजेपी की तरफ से राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की मांग उठी है। अब आप पूछेंगे ये मांग किसने उठाई? दरअसल सिर्फ इधर उधर के राज्यों से ही नहीं, बल्कि ये मांग उत्तर प्रदेश से आई है। झांसी की बबीना विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक राजीव सिंह की मांग है। राजीव सिंह ने कहा कि चाहे राजस्थान हो या एमपी, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, इन सभी राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यहां की आवाम भी यही चाहते हैं। बीजेपी विधायक ने राजस्थान में बाबा बालकनाथ के सीएम बनाए जाने को लेकर कहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं, तेलंगाना में भी सब लोग योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम चाहते हैं। आम जनता को योगी जैसा सीएम चाहिए, वो देश की आंखों के तारे हैं। देश ही नहीं, वर्ल्ड के तमाम मुल्कों के लोग भी यूपी जैसी कानून व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनकी छवि भी सीएम योगी जैसी है और राजस्थान में दावेदारी भी मजबूत बताई जा रही है। तो तीनों राज्यों में बिना सीएम के चेहरे के ही बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतरी और बंपर जीत हासिल कर ली। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में पीएम मोदी के नाम पर जनता से झोली भर भर के वोट भी हासिल कर चुकी है। प्रचंड बहुमत से जीत मिल गई। ऐसे में जानकार कहते हैं बीजेपी इन राज्यों में जनता को सरप्राइज दे सकती है और नए चेहरे पर दाव लगा सकती है, लेकिन नए चेहरे में नाम सबसे ऊपर बाबा बालकनाथ का आ रहा है। इसी वजह से पार्टी अभी तक इस पर मंथन कर रही है। आपको बता दें, इन तीनों राज्यों में बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनका इन प्रदेशों में जनता के बीच खासा प्रभाव है। चाहे राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हों या फिर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान या छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, इसी कारण से यहां पर आलाकमान को हिसाब किताब में देरी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।